गांधी जी के तीन मंदिर है। बुरा मत सुनो, देखो सीधा किसको फोन जा रही है। भाभी अब शाम को दमदार मिले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं न्यू ने की एक बार फिर अपने चैनल पहाड़ी गल में आपका स्वागत करती है। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत आफ्टरनून से हो रही है। देखिए बज रहे हैं दिन के 1:15 आई थिंक, हाँ 1:15 हो रहे हैं। फिर आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड, आज हमारे घर पे कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग खाने पे आने वाले हैं। आज हमने अपने घर पे उनको डिनर पे इनवाइट किया है और आज हम बना रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल। क्योंकि एक्चुअली क्या ना, हर बार ना उनके घर पे वही लोग इनवाइट करते हैं जब भी मैं देहरादून जाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि जाते जाते मैं उन लोगों को इनवाइट करूँ, है ना, उन लोगों को पार्टी दूँ। एक तरह से गेट टुगेदर हो जाएगा आज हमारा। तो फिर बनाते हैं, आज उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो स्पेशल में आज हम बना रहे हैं उनके लिए छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बनाएंगे और हम आपको पूरा दिखाएंगे कि हम कैसे इंजॉय करेंगे सब कुछ। तो वो लोग रात को आएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए रात को ही मैंने छोले भिगोने के लिए रख दिए थे गर्म पानी में और मैं इसको अभी नहीं बनाऊंगी। यानी मैं सोच रही हूँ अभी, देखो थोड़ा बहुत है रही अभी, तो मैं इसको थोड़ी देर में ना 2 बजे से मैं इसे कुकर में रखूँगी सीटी के लिए, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। भी थोड़ी देर और छोड़ देते हैं इसको। ये मैंने रात को ही भिगो लिए थे। ये देखो, ये बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, ना नहाए ना धोए, इतने गंदे बच्चे हो रहे। तुम्हें नहाना धोना नहीं है? नहीं नहाना धोना, भूत का सपना देखा था। और फ्रेंड्स, मैंने आज घर भी देखो अपने कवर भी चेंज कर लिए। मैं सबके सब आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने अपने कवर भी चेंज कर दिए सब कुछ, थोड़ी घर की भी आज सफाई कर दी है। देखो मैंने तो फ्रेंड्स, भाभी आ चुकी है मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि भाभी को ही भटूरे बनाने आते हैं, मुझसे नहीं बनते अच्छे, तो भाभी मेरी हेल्प करेगी। और ये निकम्मियों ऊपर से कोई भी नहीं आई दूसरी, बताऊंगी सबको मैं जो जो नहीं आई दो, एक सरिता और क्या नाम है उसका रेखा, इन दोनों को बताऊंगी, दोनों आई नहीं। देखो और भाभी आ गई फटाफट, देखो तो भाभी चलो बनाते हैं। और भाभी यहाँ पे आटा गूंद रही है, मैदा। भाभी इसमें क्या क्या डाला आपने? नमक और ये खट्टा दही और डाल दे पूरा ही, आधा किलो मंगवा। हाँ डाल दो भाभी, खट्टा दही और अजवाइन भी डाला है हमने स्वाद के लिए थोड़ा। सो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे गरम गरम चाय, क्योंकि मुझे और भाभी को लग रही है ठंड, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ। और भाभी यहाँ पे अपना आटा गूंद रही है फर्स्ट क्लास, और साथ साथ भाभी मुझे भी सिखा देना इस बार, ताकि अगली बार भटूरे भी मैं ही बना के खिलाऊं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे भटूरे के लिए मैदा गुन चुका है, अब इसमें खमीर उठेगा, फिर हम इसके भटूरे बनाएंगे। अब इसमें क्या, और भाभी ने गूंदा है। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी इतनी हेल्प करी, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैं सीख भी गई। अब नेक्स्ट टाइम तो मैं खुद ही बना के खिलाऊंगी भाभी और को। भाभी अब शाम को दमदार मिलेंगे, फुल एंजॉय करेंगे हम लोग। काफी टाइम बाद हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, है ना, सबके सब आएंगे। दो हमारी दो भूतनियां तो अभी तक नहीं आई है, एक रेखा और एक सरिता, घर में बैठी आराम से। वो अभी से तैयार हो रही, देखो शाम के लिए अभी से तैयार हो रही, का मेकअप वेकअप चल रहा होगा शाम के लिए। अब शाम को मिलेंगे, फुल धमाल करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम आपको शाम को ही मिलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सरिता आ गई है थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाने, और मैडम जी एक लहसुन छीलेगी और मैं प्याज कट करूंगी। और रेखा का मैडम को कुछ अता पता नहीं, सुबह मैंने सरिता को बोला था कि ये दोनों के दोनों आए नहीं, बट सरिता आ चुकी है। और रेखा मैडम जी तो घर में आराम फरमा रही, रात को तैयार होकर आएगी मुझे लग रहा है ना वो, सही में। और हम दोनों अब लहसुन छीलेंगे और प्याज थोड़ा कट वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तो ट्यूशन से आ चुकी हूँ, आप देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। क्या कर रहे हो आप? छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पेस्ट मैंने अपना बना लिया है सारे पेस्ट। ये क्या है? ये लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज का पेस्ट है, अभी टमाटर का करूंगी और छोले बनाऊंगी अपना। और हमारा मैदा भी खमीर छोड़ रहा है, सबके सब आने वाले, इसको तो भूख लगती रहती है, सारे दिन भूख लगती है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, छोले तो उबल चुके हैं और मेरा मसाला भी देखे पक रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इस मसाले का मेरे, यानी ये मैं 20 बंदों का बना रही हूँ, 20 बंदों के छोले बन रहे हैं ये।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा मसाला बहुत ही अच्छे तरह से पक चुका है, तैयार हो चुका है। मैं इसमें छोले डालूंगी। और फ्रेंड, जो आप ये सोचूंगी कि ब्लैक क्यों हो गए आप मेरे छोले, मैं सर मेरा मसाला ब्लैक कैसे हो गया, सो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, मेरा मसाला इसलिए ब्लैक हुआ है क्योंकि मैं घर में एक मसाला बनाती हूँ और मैं इस वही यूज़ करती हूँ, मैं बाहर के मसाले यूज़ नहीं करती। और अगर आपको उसकी रेसिपी, उस मसाले की रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। और जिस तरीके से मैं छोले बनाती हूँ उसके वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी आप लोग, बट कमेंट्स करके बताएं कि आपको वो मसाले की रेसिपी चाहिए। क्योंकि ये ब्लैक तभी होते हैं क्योंकि मेरा एक मसाला है। सबको कहते हैं, हर कोई कहता है कि हमारे एक नुस्खा होता है, हमारे ये होता है, घर का मसाला होता है, तो मेरा भी ये घर का मसाला है जो मैं खुद बनाती हूँ। इसलिए मेरे छोले आप देख सकते हैं ऐसे ब्लैक हो जाते हैं। ये देखिए मसाला मेरा ब्लैक, और मैं सारे के सारे घर के ही मसाले डालती हूँ, बाहर से कुछ नहीं लेके आती। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे मसाले की रेसिपी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे मेरे तो छोले तैयार हो गए, दिखाओ। हाँ दिखाओ दिखाओ, अच्छा फ्रेंड्स को भी दिखाओगे। ठीक है, 3, 2, 1 गो स्टार्ट। अच्छा कलर आया है। सो फ्रेंड, जिसको भी ऐसे छोले खाने हैं ना, फटाफट आ जाओ। सो फ्रेंड, जब तक कि सबके सब आते हैं तो मैं भी थोड़ा अपना होले जरा चेंज कर लूँ। कपड़े तो मेरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो चेंज करने नहीं, जरा खुद कर लूँ। मैं कपड़े चेंज ही कर देता हूँ, कपड़े मेरे बहुत अच्छे हैं। बट मैं थोड़ा मुंह तो धो लूँ यार, थोड़ी मुंह में लिपस्टिक तो लगा लूँ जिससे मैं अच्छी लगती हूँ, इतनी गंदी लग रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली मेरी रेखा फ्रेंड भी आ चुकी है, जो निकम्मी, जो सुबह से नहीं अपने दर्शन दिखाया था इसने। मैं खाने आई हूँ, अभी इसने बनाया ना आज के। चल देख लूँ आके कैसा बनाया। चल यार, थैंक यू, खाने के बाद पता चलेगा। अच्छा बनाते तो जरूर, पानी आ रहा है। यहाँ पे आयुष जी भी आ चुके हैं। हाय आयुष। हेलो हेलो। और यहाँ पे बच्चे फुल प्रैक्टिस करें अपने डांस की। और यहाँ पे सरिता भी आ चुकी है, और सरिता बनाएगी अपने हाथों की चटनी। क्योंकि चटनी यही सही बनाती है। मैं बनाते, मैं भी लेती हूँ, बट इसके हाथ की अच्छी लगती है इसलिए इससे बनवा रहे हैं। और सरिता मेरे छोले तो देख ले कैसे बने हैं। छोले बहुत टेस्टी है, मैं खुशबू से ही पकड़ ली हूँ कि पंजाबी छोले वो खा के पता चलेगा कैसे बने, खाए चखे ही नहीं। खुशबू अच्छी है तो छोले अच्छे ही होंगे, खुशबू से पता चल जाएगा। और ये देखो बच्चों की, ये डांस की प्रैक्टिस हो रही है। क्या रसोई में भाग जाओगे क्या डांस करते करते? और यहाँ पे आयुष और भाभी का देख, इनको तो भैया के बिना दिल ही नहीं लग रहा। यहाँ पे आई भैया को फोन भी करने लग गई। और यहाँ पे ये आयुष, आयुष पता क्या बनाया, छोले। और देख ले तेरे पंजाबी छोले बनाए मैंने। सो फ्रेंड्स, भाभी थोड़े से छोले मेरे चखले। ये मैंने अपने हाथों के जो वो सामने चम्मच है सामने, अच्छा ये मसाला मैंने घर पे बनाया वो है, मैंने मिर्ची डाली इसमें बिल्कुल भी। मैं तो बोलूँ तेरे छोले देख के तो लग रहा है कि बहुत अच्छे बने हैं। अब तू ही बनाएगी जब भी आएगी किसी घर में, कुछ भी होगा जब भी तू आएगी, पहले खा के तो देख ले स्वाद तो गंदा आएगा, फिर मिर्ची गाली रहेगी कि कैसे छोले बनाए हैं। पहले खा के देख ले कैसे बने हैं, फिर बोलियो भगवान। मुझे डर लग रहा था कैसे बने होंगे पागल। पहले मैंने बनाए 20 बंदों का अच्छे बने, नहीं उसके पहले भी बनाए हैं। सही बना, सही बने हैं। ये तू भी चख ले एक चम्मच, एक चम्मच इसको भी चखा भाभी। गरम नहीं, सही बनी है। चलो यानी पसंद आ गए ना, क्योंकि ये दोनों ये परफेक्ट खाना बनाने के लिए। तो अगर इन्होंने पास कर दिए तो समझो सबने मेरे छोले पास कर दिए, मेरे सही बने मेरे छोले। फाइनली मैं पास हो चुकी हूँ, लोगों को छोले पसंद आए हैं। अब आगे देखते हैं लोगों को पसंद आते कि नहीं आते हैं। चलो और सही था, बोलेंगे कि हरे धनिया की चटनी बना रही। सो फ्रेंड्स, फाइनली कौन आ चुका है, किशोर भैया की एंट्री हो चुकी है। तो आज यहाँ पे जोरदार दावत पार्टी होने वाली है, और नीरू भाभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्म वेलकम के लिए। और आज के किचन से अरे खुशबू आ रही है भाई साहब। चलिए भैया देख लो फिर खुशबू आ रही है, तो अब हम जरा चेक कर लें एक मास्टर शेफ। अब मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ, आज के छोले अगर भैया ने पास करे तो समझो अच्छे बने हैं, क्योंकि यही है सब कुछ पास करने वाले। तो भैया छोले वहाँ पर है,
सीक्रेट आज के जज आप हो। वाओ भाई साहब, मसाले एक नंबर इसमें पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ऐसी खुशबू आ रही है, मन मुग्ध हो गया बिल्कुल। देखिए पास हो गया मेरी तरफ, और मैं आप लोगों की चीज बताते फ्रेंड से झूठी तारीफ बहुत कर दे, कितने सालों तक तो मैं धोखे में रही, इन्होंने एक बंदे की तारीफ कर दी, मुझे पता चला। खाने के बाद भी कमेंट दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे। अरे भटूरे बने चटनी है, और ये क्या है? चटनी है। ओहो ये चटनी है, बटुआ मत समझे इसको, ये चटनी है सविता ने बनाई है, हरी चटनी, और ये सविता भाभी ने बनाई है, एक नंबर। OMG सरिता भाभी, राज सर की वाइफ, जो एक नंबर चटनी बनाती है और खाना भी लाजवाब बनाती है। मैं कहूंगा सी इज द मास्टर सेफ इन अवर सोसाइटी, जो एक नंबर खाना बनाती है। बस भाभी मेरे छोले का फेल हो गए, लाजवाब। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आटा तैयार है, ये क्या है? भटूरे के लिए, भटूरे बनने वाले हैं आज भाई साहब, छोले एंड भटूरे की दावत पार्टी, और साथ में ये क्या है? अरे कुछ नहीं, झूठी तारीफ बहुत ही कर दी है इनको, आया मैं बता दी सच्ची तारीफ, इनको सिर्फ एक ही बंदे के हल्के छोले लगते हैं, वो भी एक कविता, वाकई में कविता बहुत अच्छे छोले बनाती है, जो भी आपको बहुत ही पसंद है। भैया बट मैंने कोशिश करी कविता जितनी अच्छी बनाने की, नीरू भाभी भी बनाती है, मुझे इनके सुबह के नाश्ते के जो पराठे है ना, भैया मंगाई तो करने नहीं है, बड़ा लालच रहा और इन्होंने खिलाए नहीं, और ये कल भाग रहे हैं। मजा आ गया, कल हम खाएंगे सुबह सुबह। भैया बुधवार को लेट हो गए थे, वीरवार को उनका व्रत था, शुक्रवार को देखो मैं देसी घी भी बनाती हूँ, खत्म हो चुका था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी किसी को, डालडा के मुझसे नहीं बनते। अब आ चुके, आज यहाँ पे पार्टी थी, अब कल नहीं हो पाएगा, बट मंडे को भी आपके परांठे सुबह का नाश्ता कल भी नहीं होगा, कल संडे है ना, ओके मंडे पक्का होगा, मंडे पक्का। तो गाइज आप सब लोग इन्वाइटेड है, और नीरू भाभी के घर पे पराठों का आनंद है, जो पराठे लाजवाब कहीं नहीं मिल सकते हो। वो तो भैया फ्रेंड्स बताते बहुत झूठी तारीफ करते हर किसी की, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। हाँ भैया बहुत अच्छी ये बात करें, सोन जो शुभम जी आ चुके हैं, ये 5 बजे आने वाले इंसान देख लो 7:45 बजे आ रहे हैं, और सामान भी नहीं लेके आया आधा जीरा। यहाँ पे अन्नू भी आ चुकी है, और सईदा तो आ चुकी थी, और भाभी जी हमारी आ चुकी है, ये रही, और आज भाभी जी ने तो सबको फेल कर दिया, क्योंकि आज भाभी जी बड़ी स्मार्ट लग रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स बात, आज हमारी भाभी जी बड़ी सुंदर लग रही है। तो भाभी अब आपका काम है भटूरे बनाने का, अब आप लग जाओ, छोले मैंने बना दिए, अभी मगर थोड़ी देर भाभी बैठो, यहाँ पे तो तेल गरम करके, अभी गरम नहीं, और ये देखो वहाँ तेल गरम हो रहा है, देखो कैसे गप्पे मार रही है। सो फ्रेंड्स ये औरतें इतनी बातें करती है, पूछो मत, यहाँ पे पूरा तेल गरम हो चुका है, और फिर भी बंद कर दूँ, क्या तेल बंद कर दूँ? हाँ तेल बंद कर दे, अनु कर दे तेल बंद, ये तो अभी बातें में लगी रहेंगी औरतें। बच्चे अभी अपना एक डांस का परफॉर्म करेंगे, दो डांस करेंगे बच्चे, तो बच्चों अच्छी तरह से करना सबको, ऑल द बेस्ट, ओके अपना बेस्ट देना, तो स्टार्ट, चलो
सो फ्रेंड्स आगे चल रहा बच्चों का फुंडा सभी चल रहा और बच्चों का देख रहे हैं आज की जो नौकरी।